हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस एल बेसॉल एस्टर्क द्वारा लिखा हुआ उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक फर्स्ट फ्लाइट की क्लास 10th की, उसका ये जो चैप्टर नंबर 5 है द 100 ड्रेसेस उसके क्वेश्चन आंसर्स। जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे, पहले है क्वेश्चन है हमारे पास ये 4 पेज नंबर 65 पे। तो 65 पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वेयर इज़ द क्लासरूम, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई। ठीक है, वांडा क्लासरूम में कहाँ पे बैठती थी और क्यों बैठती थी। वांडा पेट्रोनस्की यूज टू सिट ऑन द कॉर्नर मोस्ट बेंचेस, वो कॉर्नर वाले बेंचेस में बैठना पसंद करती थी। लॉस्ट इन हर वर्ल्ड, अपनी दुनिया में खोई हुई। वेयर रफ वॉइस यूजली सेट, जहाँ पे जो रफ वॉइस होते थे वही बैठते थे। शी वॉज ए वेरी पुअर, वो बड़ी गरीब थी। शाई, शर्मीली थी। एंड क्वाइट गर्ल, और चुपचाप रहने वाली, शांत रहने वाली लड़की थी। एंड डिडेंट वॉन्ट टू मैच विद अदर्स, और दूसरों के साथ उलझती नहीं थी। सो शी प्रेफर टू सिट इन आइसोलेशन, इसलिए वो अकेला रहना पसंद करती थी, अकेले ही बैठती थी। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डज वांडा लिव, वट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज, वांडा कहाँ रहती थी और वो आप क्या समझते हो कि वो किस तरह की जगह थी जहाँ वो रहती थी। वांडा लिव्स अपॉन बॉगिन्स हाइट, वेयर पुअर पीपल लिव, जहाँ पे गरीब लोग रहते थे। इट इज़ नॉट ए डेवलप्ड एरिया, ये कोई डेवलप्ड एरिया नहीं था। एंड इज कवर्ड विद मड, और वो मड से कवर्ड था। देर इज़ नो प्रॉपर रोड्स, वहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं है। और स्ट्रीट्स एंड इट इज़ ए काइंड ऑफ स्लम, और ये एक झुग्गी झोंपड़ी वाला बस्ती वाला एरिया है। ठीक है जी। तीसरा, व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस, वांडा डिडेंट कम टू स्कूल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे बट नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस, पर किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं करा। एज शी डिड नॉट हैव फ्रेंड्स इन द क्लास, क्योंकि उसके कोई भी दोस्त नहीं थे क्लास में। ओके, व्हेन मैडी एंड पैगी एंड मैडी वेटेड फॉर वांडा टू मेक फन ऑफ हर, जब पैगी और मैडी उसकी वेट कर रहे थे कि हम आज उसका वांडा का मजाक उड़ाएंगे। आफ्टर शी स्कूल वाज ऑफ, जब स्कूल बंद हो गया, दे नोटिस, उन्होंने नोटिस किया कि वो तो आज एबसेंट है। अदरवाइज नो बॉडी बॉदर्ड अबाउट हर देयर, अदरवाइज कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता था। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन ये है कि व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों पता चला कि वेंडी स्कूल नहीं आई। ठीक है जी, उसका ये जवाब है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर, इसका क्या मतलब है। व्हाट टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजा आता है। टू हैव फन विद हर मीन्स एट टू लाफ एट हर, इसका मतलब है कि उसके ऊपर हंसना। एज इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी, ये जैसे कि हमारे इंसानों में ये प्रवृत्ति होती है टू मेक फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाना। उनकी इम्परफेक्शंस विच आर मोस्टली अबाउट देयर अपीयरेंस, उसकी जो बनावट है, उसकी पहचान है, उसके बारे में उनका मजाक उड़ाना। हेयर इन द स्टोरी, इस स्टोरी में भी वांडा इज अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट, वांडा अम्यूजमेंट मतलब हंसी का पात्र है सभी के लिए, और सभी उसको देख के खुश होते हैं बिकॉज ऑफ हर शाई नेचर, उसकी शाई नेचर को देख के, और हंसते हैं उस पर जब वो कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। ठीक है, चलिए, तो ये तो क्वेश्चन 65 पेज नंबर के थे। अब मैं आपको वो बुक दोबारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ही ये पेज नंबर 65 के ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, आप अगले पेज पे आ जाओगे। अगले पेज पे अगेन पेज नंबर 67 पे ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस को मैं अभी आपको कराऊंगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, किस तरीके से वांडा दूसरे बच्चों से अलग थी। वांडा पेट्रोनस्की वाज अ पोलिश गर्ल, वो पोलिश एक गर्ल है, मतलब पोलैंड से रहने वाली है, हुज पेरेंट्स हैड सेटल डाउन इन अमेरिका, जिसके माता पिता अमेरिका में सेटल हो गए। शी वाज ए सोर्स ऑफ फन, वो सबके लिए हंसी का जरिया है। बिकॉज ऑफ हर फर्स्ट लास्ट नेम, बिकॉज ऑफ उसके आज आखिरी नेम के, उसकी कास्ट को लेके, विच मेड हर डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो उसको दूसरों से अलग बनाता है। बिकॉज अमेरिकन्स डिडंट हैव सच नेम्स, क्योंकि अमेरिकन्स के ऐसे नेम नहीं होते। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, और इसको प्रोनाउंस करना भी मुश्किल होता है। शी केम टू स्कूल अलोन, वो अकेले स्कूल आती है। एंड हर फीट वर कवर्ड विद मड, और उसके पाँव हमेशा मिट्टी से, मड से
कीचड़ से भरे रहते हैं, सो शी प्रेफर टू सिट अलोन, इसलिए वो अकेले बैठना पसंद करती है इन द लास्ट इन द क्लास, और क्लास के अंत में, ठीक है। शी हैड ओनली वन ब्लू ड्रेस, उसके पास एक ही ब्लू ड्रेस है विच वॉज फेडेड, जो कि जिसका रंग उड़ा हुआ है, बट क्लेम टू हैव 100 ड्रेसेस, पर वो क्लेम करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। देयर क्वालिटीज मेक हर डिफरेंट, दीज क्वालिटीज मेक हर डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, तो ये क्वालिटीज उसकी हैं जो उसको दूसरों से अलग करती हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन, डिड वेंडा हैव 100 ड्रेसेस, वाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड, ठीक है। डिड वेंडा, क्या वाकई वेंडा के पास 100 ड्रेसेस हैं, वो ऐसा क्यों कहती है दूसरों को कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। वेंडा वॉज टीज्ड एवरी डे बाय हर क्लासमेट्स आफ्टर स्कूल आवर्स, वेंडा रोज अपने क्लासमेट्स द्वारा उसको छेड़ा जाता है स्कूल आवर्स के बाद। दे यूज टू मेक फन ऑफ हर ड्रेस, सारे उसके ड्रेस का मजाक उड़ाते हैं और उसके नाम का मजाक उड़ाते हैं। वन डे टायर्ड ऑफ ऑल द टीजिंग, सारी दिन उसकी उसके उसको तंग करते हुए एंड टॉन्टिंग, और उस पर फप्तियाँ कसते हुए उसके ताने मारते हुए, शी क्लेम टू हैव 100 ड्रेसेज, क्योंकि उसने कहा था कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं और एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, बट नो बडी बिलीव्ड हर, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। शी वॉज ए डिटर्मिंड गर्ल, और उसने कहा कि वो एक डिटर्मिंड गर्ल है एंड हैज़ ए ग्रेट अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसके पास बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। फॉर हर नंबर ऑफ ड्रेसेज वर नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके नंबर ऑफ ड्रेसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द इनर टैलेंट विच हैड अ रियल वैल्यू, और उसका इनर टैलेंट जिसकी की वाकई रियल वैल्यू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज मैडी एम्बेरस्ड बाई द क्वेश्चन पैगी आस्क वेंडा, मैडी क्यों शर्मसार हो जाती है जब पैगी उससे कुछ क्वेश्चन पूछती है। इज शी ऑल्सो लाइक वेंडा, क्या वो भी वेंडा को पसंद करती है, और इज शी डिफरेंट, क्योंकि वो डिफरेंट है इसलिए। मैडी इज एम्बेरस्ड बाई द क्वेश्चन पैगी आस्क वेंडा बिकॉज शी इज ऑल्सो पुअर, क्योंकि वो भी पुअर है, गरीब है, एंड अंडरस्टैंड्स द मेंटल कंडीशन ऑफ वेंडा, और वेंडा की मेंटल कंडीशन को समझती है। शी ऑल्सो वियर्स ड्रेसेज हैंडेड डाउन बाई रिच फैमिली, वो भी वही कपड़े पहनती है जो रिच फैमिलीज उनको देते हैं। दो शी इज़ एन अमेरिकन, हालांकि वो एक अमेरिकन है, बट शी हैज़ द सेम माइंड सेट ऑफ वेंडा, पर उसका भी माइंड सेट वेंडा जैसा ही है। एंड डजेंट वॉन्ट एनी वॉन्ट टू टीज, और नहीं चाहती कि किसी को इस तरीके से टीज किया जाए बिकॉज ऑफ हर ड्रेस और हर नेम, कि उसकी ड्रेस या उसकी नेम की वजह से, ठीक है जी। तो ये 3 क्वेश्चन भी हो गए। अब जब फिर मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, ये देखिए 67 पेज नंबर के ये जो क्वेश्चन हो गए, उसके बाद अब 68 के बाद ये 69 पेज नंबर और 70 पेज नंबर यहाँ पे आएगा, तो ये इसके ये 3 क्वेश्चन और उसके बाद ये वाले 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है जी। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की पेज नंबर 70 की। तो पेज नंबर 70 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मैटी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा, मैगडी क्यों कहती है कि पैगी तुम वेंडा को छेड़ना बंद करो, तंग करना बंद करो। व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ, उसको क्यों डर लग रहा था, क्या डर था उसका। मैडी डिडंट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा, मैडी डिडंट आस्क उसने कहा नहीं, डिडंट आस्क उसने नहीं कहा, बिकॉज पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, क्योंकि पैगी क्या थी, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी। क्वेश्चन ये है, वाई डिड नॉट मैडी आस्क पैगी, क्यों नहीं कहा मैडी ने क्यों नहीं कहा पैगी से कि उसको छेड़ना बंद करें, बिकॉज पैगी सबसे मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में, शी वॉज ए नाइस गर्ल, वो एक नाइस गर्ल थी, लड़की थी, अच्छी लड़की थी, बट वेन इट कम्स टू वेंडा, जब वो वेंडा की बात करती थी, शी बिहेव डिफरेंटली, वो अजीब ढंग से बिहेव करती थी। अदरवाइज शी हेल्प्ड एवरीवन इन ट्रबल, हालांकि वो सबकी मदद करती थी जब कोई मुसीबत में होता था। दाउ शी वॉन्ट्स पैगी टू स्टॉप टीजिंग, हालांकि वो चाहती थी कि पैगी वेंडा को तंग करना या छेड़ना या परेशान करना बंद कर दे। सो शी डिड नॉट आस्क हर टू डू, उसने उसको के कहने नहीं कहा। सो एज शी वॉज अफ्रेड ऑफ बींग द नेक्स्ट टारगेट ऑफ सच टॉन्ट्स एंड टीजिंग, क्योंकि उसको डर था कि वो अगला टारगेट उसका वही ना बन जाए छेड़ने के लिए, उसको परेशान करने और ताने मारने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, मैडी क्या समझती है कि ड्राइंग कंटेस्ट कौन जीतेगा और वाई। मैडी ऑलवेज बिलीव दैट पैगी वुड वन द ड्राइंग कंटेस्ट एज शी वॉज ए गुड ड्राइंग, क्योंकि मैडी को हमेशा यही लगता था कि पैगी ही जीतेगी क्योंकि उसकी ड्राइंग सबसे अच्छी थी। एंड एवरीबॉडी इन द स्कूल लव्ड हर, और सारे स्कूल में उसको प्यार करते थे। शी हैड अ गुड इमेज, उसकी अच्छी इमेज थी, एंड इंप्रेशन ऑन द हर टीचर्स, और टीचर्स पर भी इंप्रेशन अच्छा था, एंड क्लासमेट और उसके क्लासमेट से। नो अदर गर्ल्स इन द स्कूल क्लास कुड ड्रॉ एज वेल एज हर,
नो अदर गर्ल, कोई भी लड़की उस जैसी ड्राइंग नहीं बना सकती थी। सो पैगी डेफिनेटली हैड गुड चांसेस, और पैगी के पास अच्छा चांस था उस कंटेस्ट को जीतने का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैडी, मैडी के अकॉर्डिंगली। थर्ड क्वेश्चन, हु वन द ड्राइंग कंटेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, कौन ड्राइंग का कंटेस्ट जीता था और कौन विनर चुना गया। अमंग द बॉयज जैक बैगलेस एंड द अमंग गर्ल्स वेंडा, लड़कों में जैक और लड़कियों में वेंडा पेट्रोनोस्की कंटेस्ट जीते थे। टू शो हर डिटर्मिनेशन शी डिडंट अटेंड द स्कूल फॉर टू डेज, अपने डिटर्मिनेशन के लिए उसने दो दिन स्कूल अटेंड नहीं किया, एंड हैड ड्रॉन अ 100 स्केचेस ऑफ ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट कलर्स, और 100 ड्रेसेस उसने डिफरेंट कलर्स की स्केच बना दिए। ईच ऑफ देम वॉज कैपेबल टू विन द कंटेस्ट इंडिविजुअली, और हर एक अलग ही आप अकेला भी कंटेस्ट जीतने के लिए काफ़ी था। वेंडा हैड ड्रॉन ऑल द ड्रेसेज विच शी हैज़ क्लेम टू हैव हैड इन द क्लास, वेंडा हैड ड्रॉन ऑल द ड्रेसेज, वेंडा ने सारे ड्रेसेज ड्रॉ किए थे जो वो उसके पास क्लास में उसने कहा था कि मेरे पास हैं। एवरीबडी वॉज वेरी इंप्रेस, सारे इंप्रेस थे विद हर ड्राइंग स्किल एंड क्लैप फॉर हर, और सभी ने उसके लिए ताली भी बजाई थी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन तो हो गए। अब उसके बाद आगे जो नीचे क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 70 के, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, उसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ इज वेंडा सीन एज डिफरेंट बाय अदर गर्ल्स, वेंडा दूसरी लड़कियों द्वारा अलग तरीके से क्यों देखा जाता है, मतलब दूसरे उसको अलग तरीके से क्यों समझते हैं। हाउ डे डू दे ट्रीट हर, उसको कैसे ट्रीट करते हैं। वेंडा इज ए पॉलिश गर्ल, वो एक पॉलिश से आई हुई लड़की है पोलैंड से, हु हैड सेटल्ड इन अमेरिका विद हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, अमेरिका में सेटल हो चुकी है वहाँ पे। शी लिव्ड इन बोगिन हाइट, वो बोगिन हाइट्स में रहती है। शी केम टू इन स्कूल इन सेम फेडेड ब्लू ड्रेस एवरी डे, वो रोज़ उसी फेडेड रंग उड़े हुए ब्लू ड्रेस में स्कूल आती है, विच विद हर फीट ऑलवेज कवर्ड विद मड, और उसके जो पैर हैं वो हमेशा मिट्टी से भरे रहते हैं शूज़ उसके। हर लास्ट नेम इज़ क्वाइट फनी, उसका आखिर वाला नाम जो पेट्रोनोस्की है वो थोड़ा फनी है और डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना क्लासमेट्स के लिए। हर अपरेंस वॉज नॉट परफेक्ट टू द टू बी अ हायर क्लास, उसकी अपरेंस भी अच्छी नहीं है जो कि हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स की होनी चाहिए थी। सो ऑल द स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर, और इसलिए बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, एंड टीज्ड हर आफ्टर द स्कूल आवर्स, और उसको स्कूल आवर्स के बाद भी परेशान करते हैं। आफ्टर बींग टीज ओवर हर टॉलरेंस, और उसको टॉलरेंस उसको टीज करने के बाद ओवर हर उसके बर्दाश्त करने की जो उसकी शक्ति है क्षमता है, शी क्लेम टू हैव हैड 100 ड्रेसेज इन हर क्लोजेस्ट, और वो क्लेम करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं। ठीक है, हाउ डज वेंडा फील अबाउट द ड्रेसेज गेम, वो उसके वेंडा ड्रेस गेम के बारे में कैसे क्या सोचती है, क्या फील करती है। वाई डज शी से दैट शी इज इन 100 ड्रेसेज, वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज है। वेंडा फील्स वेरी एम्बेरस्ड, वो बड़ी शर्मिंदगी महसूस करती है। बट रिमेन साइलेंट इन द क्लास, पर वो साइलेंट रहती है क्लास में। ठीक है, शी डजंट टॉक टू एनीवन, वो किसी से बात नहीं करती, एंड सिट्स ऑन द बैक बेंच विद द रफ बॉयज, वो रफ बॉयज के साथ पीछे बैठती है, सो दैट नोबडी कैन गिव अटेंशन टू हर, ताकि कोई भी उसको बात उस पर ध्यान ना दे सके। शी इज़ डीपली हर्ट व्हेन नेवर कंप्लेंस अबाउट इट, वो इसके बारे में उसको बहुत हर्ट होता है पर फिर भी वो किसी को कंप्लेन नहीं करती। टू अवॉइड हर्ट टू अवॉइड देयर टॉन्ट एंड ह्यूमिलेशन, वो उसके तानों से और उनसे द्वारा प्राप्त हुई जो शर्मिंदगी है उसको उसके लिए वेंडा सेज दैट शी हैज 100 ड्रेसेस, वो उन सबको कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज हैं। लेटर ऑन शी ड्रॉज ऑल ऑफ देम ऑन अ पेपर, और सारे उसको पेपर पे ड्रॉ करती है फॉर कंपटीशन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड डज इट डू एनीथिंग, मैडी किस बात का स्टैंड लेती है और क्यों कुछ नहीं कहती। हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पैगी, वो पैगी से डिफरेंट क्यों है, और पैगीज फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट टू मैगी व्हाई, विच लाइन इज द टेक्स्ट टेल यू दिस, तो आंसर है इसका, पैगी इज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द क्लास, पैगी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लड़की है, चर्चित लड़की है क्लास की। मैडी इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड है। द मैडी इज पुअर, हालांकि मैडी गरीब है। पैगी नेवर टीजेस हर एज शी डज विद वेंडा टू, मैडी इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर फ्रेंडशिप, मैडी उसके पैगी के गरीब होने के डर का उसको कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो वेंडा को के लिए उसको मना करेगी तो पैगी उससे नाराज हो जाएगी और उसकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। दैट इज़ वाई शी डज नॉट रिस्क ऑफ एनॉय
पैगी, इसलिए वो पैगी को नाराज नहीं करना चाहती एंड प्रेफर्स टू बी साइलेंट, और वो खुश साइलेंट रहती है, शांत रहती है। द लाइन पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल ऑफ द होल स्कूल रूम, क्योंकि पैगी सबसे पसंद की जाने वाली लड़की थी क्लास में। पैगी कुडंट पॉसिबली डू एनीथिंग, इसलिए पैगी कुछ नहीं कर पा रही करती थी। दैट वर रियली रॉन्ग, और इलस्ट्रेट दिस, ठीक है, इससे ये इस लाइन से पता चलता है कि वो उसके साथ दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हाउ डज मिस मैसन थिंक ऑफ वेंडाज ड्राइंग, वो उसकी वेंडा की ड्राइंग के बारे में क्या कहती है। वट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम, चिल्ड्रन इसके बारे में क्या सोचते हैं, हाउ डू यू नो, आप क्या समझते हो। मिस मैसन इज अ वेरी इंप्रेस्ड विद वेंडाज ड्राइंग, मिस्टर मैसन मिस मैसन बहुत इंप्रेस हुए थे जो उनकी क्लास टीचर है वेंडा की ड्राइंग से। शी कंसिडर्ड देम रियली ब्यूटीफुल, वो उसको बहुत पसंद करती है उसकी ड्राइंग्स को, कहती है कि ये बहुत खूबसूरत है एंड वर्थ ऑफ विनिंग इंडिविजुअली, और अकेली अकेली भी अपने आप में कंटेस्ट जीतने के काबिल हैं। द चिल्ड्रन आर आल्सो इंप्रेस्ड बाय द ड्राइंग स्किल्स ऑफ वेंडा, वो चिल्ड्रन भी जो बाकी बच्चे हैं वो भी वेंडा की ड्राइंग स्किल से बहुत प्रभावित है। दैट दे ऑल अप्लॉड, और सारे तालियां बजाते हैं और विसल बजाते हैं। व्हेन शी विन अमंग द गर्ल्स, जब वो गर्ल्स में वो कंटेस्ट जीत जाती है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसी को देख के नोट्स बना लीजिए और रिवीजन भी इसी से कर लेना मेरी वीडियो से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए अगली वीडियोज़। ओके जी, डन।